हमने रख लिया है और ये डाल दिया जी तेल इसमें। और आज क्या ब्रंज बन रही है आप लोगों को बताते हैं। ये देखिए ये बन रही है ब्रंज आज दलवा, और दलवा मतलब चने दलवा है, और ये है घिया। तो ये घिया है और ये चने दलवा है, और यहाँ पे टमाटर मिर्च और ये मसाले, और ये देखिए प्याज हमने काट लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है सारी चीज़ें नहीं मतलब आज घिया और दलवा, घिया दलवा मतलब घिया और चने दलवा की रेसिपी जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। हमारा गर्म हो चुका है और ये देखिए ये डाल दिया हमने धनिया, जीरा, जीरा डाल दिया, और ये डाल दी मेथी, और ये डाल दिया जी धनिया, और अब डाल दिया हमने प्याज। ये देखिए अब प्याज को भी अच्छे से भून लेते हैं। तो अब डाल दिया हमने जो हमने मिर्च काटी हुई थी, तो ये हरी मिर्च है मगर लाल हो चुकी है, पकी नहीं है अभी कच्ची है, तो इसलिए हरी मिर्च हो गए हैं। और अब अच्छे से भून लेते हैं इसको, और ये डाल दी हमने हल्दी, हल्दी भी हमारी पक जाएगी। ये देखिए उबलों से जो है वो आँच अच्छी लगती है, इसलिए हम उपले का उपयोग भी करते हैं, और लकड़ी को मतलब लकड़ी जलाने की सहायता भी हो जाती है इससे उपलों से, और उपले जो है वो यूज़ भी हो जाते हैं, तो बड़ा फ़ायदा होता है उपले अगर घर में हो तो हमारी लकड़ी की बचत हो जाती है और आँच भी अच्छी लगती है इनकी उपलों की।
और ये देखिए हमारा प्याज जो है अच्छे से भून चुका है। अब हम डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा जो है हमने टमाटर जो काटे हुए थे इनको हम अच्छे से पका लेते हैं, और थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर लेंगे ताकि हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए। और थोड़ा सा हम पानी इसमें ऐड कर लेंगे और पकने देते हैं टमाटरों को। ये देखिए मिक्स हो चुके हैं और अब हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लेंगे। बस अब हम इसे थोड़ी देर के लिए जो है वो ढक्कन बंद करके जो है पका लेते हैं 5 मिनट कम से कम। 5 मिनट हमारे को हो चुके हैं और ये अच्छे से गल चुके हैं हमारे टमाटर। तो अब हम डाल देते हैं इसमें घिया, जो हमने घिया काट के रखा है वो हम डाल देते हैं, और घिये को भी हम ऐसे ही पका लेंगे थोड़ी देर के लिए चलाते रहेंगे। और चलाने का मतलब हम अपनी भाषा में बोलते हैं घोटा लगा देंगे। तो कहते हैं कि घोटा जितना लगता है उतनी स्वादिष्ट सब्जी बनती है, इसलिए जो है हम थोड़ी देर इसको ऐसे ये ऐसे मिक्स कर देंगे और इसको चला लेंगे। हमने इसे जितना चलाना था, जितना हमने इसको पकाना था ऐसे, उतना हमने पका लिया है। और अब हम डाल देते हैं इसमें जो चने दलवा हमने भिगोई थी। ये भिगोने का मतलब क्या है कि हमारा घिया जो है वो जल्दी तैयार हो जाता है, पक जाता है, तो चने दलवा को टाइम लगता है, इसलिए हम पहले ही भिगो के रखते हैं। तो ये बराबर टाइम पे जो है वो पकते हैं, इसलिए हमने भिगो के रखी थी ये चने दलवा। और ये देखिए अब हम इनको भी जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब हम स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर लेंगे। ये देखिए अब हमने जो है स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर लेंगे, और तो अब हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेते हैं, मतलब 1 लीटर के करीब करीब। तो इसको पानी हमने इसलिए डाला ताकि ये चावलों के साथ खाने के लिए भी हो जाए और चने दलवा जो है हमारी अच्छे से पक भी जाए। तो चने दलवा को पकने के लिए टाइम लगेगा, इसलिए जो है अब हमने जो है वो पानी इसमें ऐड किया है, और इसे ढक्कन से बंद कर लेंगे। अब हम इसे पका लेंगे, 3-4 सीटी इसमें लाएंगे, तब हमारी चने दलवा जो है वो अच्छे से पक जाएगी। तो आँच जो है हमने अच्छे से जलाई है, आँच बराबर रहनी चाहिए। तो ये देखिए अब हमारा कद्दू जो है, कद्दू नहीं घिया जो है वो पक चुका है, और अब हमने इसको उतार लिया है। अभी हम इसे ठंडा कर लेंगे, और देखिए साथ में बन गए हैं चावल। तो ये चावल भी हमने पका लिए हैं, और हमारे मक्की की रोटी वो भी हमारी बन चुकी है। तो अभी हम रेडी हो जाते हैं खाने के लिए, और अभी बर्तन डाल रहे हैं, मतलब अभी थाली जो है परोसते हैं। तो ये देखिए ये तसला बोलते हैं हम इसे, और हम गर्म पानी से जो है पाँव सेकते हैं तो सारी दिन भर की थकान जो होती है वो चली जाती है। ये जब हम पाँव सेकते हैं ना गर्म पानी से, तो थकान जो है वो उतर जाती है, और काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है जब हम पाँव धोते हैं। पाँव धोने के बाद जो है रिलैक्स हो जाता है, पूरा बदन जो है पूरा रिलैक्स हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम ही करते हैं, हमारे गांव में, हमारे पूरे इलाके में जो है वो सभी ऐसे ही गर्म पानी से पाँव धोते हैं और ऐसे ही सेकते हैं पाँव को। कुकर हमारा ठंडा नहीं हुआ है ज़्यादा, तो इसकी हवा निकाल रहे हैं क्योंकि बच्चों को लगी है भूख, तो बहुत भूख लगी है बच्चों को। तू क्या कमा रहे ऐसी पीपली 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 बोलते हैं हमारी मिर्च को हमारे यहाँ। और ये देखिए जी इसमें तो पानी पानी है ना, ज़्यादा पानी नहीं, चावलों के साथ ऐसा ही जचेगा भाई। तो अब जो है थाली परोसी जा रही है, और बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं भाई, दीक्षित का देखो बाल कितने बड़े बड़े हो गए हैं, इसने कटिंग नहीं करवाई अभी तक। ये वो अच्छा बन रहा है, ये सोचता है कि मैंने बड़े लंबे लंबे बाल रखने पर जचते नहीं है, ठीक है, और ना ही बड़े बड़े बाल रखने चाहिए, समझा। और आप लोग भी समझाइएगा इसे कि बड़े बाल नहीं रखने, ये मना करता है कि मैंने अभी कटवाने नहीं है। और भाई ऐसी बनी हमारी ये सब्जी,
और पानी ज़्यादा है इसमें। तो आप लोगों को पता है कि चावलों के साथ खाना हो तो ऐसा ही होता है, पर ये थोड़ा ज़्यादा ही लूज़ है। फिर भी थोड़ा सा पानी इसका सूख जाना चाहिए था, तो हमारे को एक दो सीटी और लानी चाहिए थी। पर ठीक है, अब जो भी है, अभी बच्चों को भूख लगी है तो हम खा लेते हैं ऐसे ही, और आप लोग भी खाइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक बाय।